हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग ड्राइव की जो आइकॉन है, मतलब आपके लैपटॉप की जो ड्राइव की आइकॉन है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी आइकॉन फाइल से, या कैसे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर यूट्यूब वीडियो देखोगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, जहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ड्राइव है और इसका आइकॉन इस तरीके का है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसका आइकॉन को मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। तो मैं कैसे करूँगा, तो अगर आप लोग YouTube वीडियो में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत एक लेंथी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। आप पहले विंडोज प्लस आर को दबा के यहाँ पर रन ओपन कर लो, और ओपन करके आप यहाँ पर रेज एडिट RGB इसको दबा के आप एंटर कर दो, और कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्टर एडिटर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है एज के करेंट यूजर, इसको आप ओपन करो, और ओपन करके यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को आप ओपन करो। और फिर आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आप ओपन करो। और फिर आपको यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर एक चीज खोजो, यहाँ पर एप्लीकेशन एस एप्लीकेशन एक ऑप्शन यहाँ पर खोजो। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको एप्लीकेशन ऑप्शन एक तैयार करो। ये सब बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, और इसको एप्लीकेशन को करके आप यहाँ पर explorer.exe फाइल तैयार करो, और उसके पास ड्राइव की जो है उसका लेटर दो, और उस आइकॉन का लोकेशन दो, फिर आप ये इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही आसान और 2 मिनट का टिप्स बताऊंगा, जहाँ से आप किसी भी ड्राइव की, किसी भी फोल्डर की, या फिर किसी भी पेन ड्राइव के भी आइकॉन को आप बहुत ईजिली आप चेंज कर सकते हैं, और इसको उसमें कोई भी झामेला भी नहीं है, और बहुत सारे टाइम सेविंग भी आपका होगा। तो पहले तो जो चीज़ आपको यहाँ पर करना चाहिए, सिंपली यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन में अगर जाके आपको किसी भी यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करना है, और उसको आइकॉन फाइल में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, आप इसको कैसे आइकॉन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरे पास ये पिक्चर है जो मेनली PNG फॉर्मेट में है। अब मैं इसको आइकॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन साइट वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर एक ऑप्शन है पेंट ऑप्शन में आप चला जाइए यहाँ पर, और उसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये ओपन होगा, और किसी भी सॉफ्टवेयर की भी आपको जरूरत नहीं है पिक्चर को आइकॉन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए फाइल एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन में आप चला जाइए यहाँ पर, और फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पर देखिए सेव एज ऑप्शन है। सेव एज ऑप्शन करके आप यहाँ पर BMP पिक्चर यहाँ पर एक फॉर्मेट है, इसको आप सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ पर फाइल नेम को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PW। और फिर आपको यहाँ पर देखिए 24-bit BMP फॉर्मेट जो है इसको आपको रखना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा .ico, मतलब .ico मतलब आइकॉन है, और लिख के आपको उसको सेव कर देना चाहता हूँ। आप कर दीजिए सेव, इसको पास हो गया ओके। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ पर चला जाइए प्रॉपर्टीज ऑप्शन में। ये देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑप्शन में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, .ico मतलब ये आइकॉन फाइल में ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से आप इसको आइकॉन फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर और किसी भी चीज़, किसी भी फोटो को, और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को आइकॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जो देख लेते हैं दोस्तों दूसरा स्टेप दोस्तों बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना पड़ेगा आपको, और दोस्तों ये जो नोटपैड जो एप्लीकेशन है आप लोगों का PC के अंदर, ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग टूल है। कैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि नोटपैड से आप ऐसा प्रोग्रामिंग आप तैयार कर सकते हैं जो असल में एक वायरस है, और जो असल में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोग्राम है, ये सब आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, एकदम इजी है। पहले है थर्ड पैकेट के अंदर, थर्ड पैकेट दे दीजिए, उसके अंदर ऑटोडाउन लिखिए, और फिर आप यहाँ पर आके इसको एंटर कर दीजिए, और फिर आप यहाँ पर लिखिए आइकॉन यहाँ पर लिखिए ICO आइकॉन, और एक स्पेस देकर आप यहाँ पर दे दीजिए। और यहाँ पर आपका इमेज नेम, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर इमेज नेम है, यहाँ पर इमेज नेम मेरा है QW, और किस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट को आपको लिखना पड़ेगा, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मेट है आइकॉन ICO, आइकॉन फॉर्मेट में है, तो इसको आई मैं लिख देता हूँ आइकॉन। और फिर आप इसको यहाँ पर सेव कर दीजिए,
आप इस फोल्डर को इस ड्राइव को आप यहाँ पर करना चाहते हैं उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऑटो रन डॉट आई एन और इसको सेव कर दीजिए। बस हो गया दोस्तों, आप चला जाइए पीसी के अंदर और पिक्चर को आप सिलेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हम दोनों जो चीज़ है, इस दोनों चीज़ को यहाँ से काट कर लीजिए और काट करके आपका जो ड्राइव है ड्राइव में के बाहर ही इसको रख दीजिए। कंटिन्यू। देखिए दोस्तों, दोनों आ गया और इस दोनों को आपको आप इस दोनों को हाइड कर दीजिए। बस हो गया और फिर आप अपने पीसी जो है इसको रजिस्टर कर दीजिए। और दोस्तों, ये इसको रजिस्टर होने में कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सी ड्राइव का जो आइकॉन ये असल चेंज हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव का आइकॉन या किसी भी पेन ड्राइव का आइकॉन या किसी भी हार्ड डिस्क का आइकॉन आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी लेंथी प्रोसेस का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो लाइन का प्रोग्राम का कोड आपको लिखना पड़ेगा, ऑटो रन प्रोग्राम। और दोस्तों, इस ऑटो रन प्रोग्राम को लिखने के दौरान आपको कुछ चीज ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऑटो रन प्रोग्राम बहुत ही डेंजरस प्रोग्राम है। ऑटो रन प्रोग्राम से इस तरीके का प्रोग्राम तैयार होता है जो आपका जो सी ड्राइव है या आपका जो ठीक है उसको पल भर में डिलीट कर सकता है। इस टाइप का प्रोग्राम ऑटोरन से तैयार होता है और इसको बोलते हैं ऑटोरन टाइप वायरस। और दोस्तों, इसीलिए आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए, जो प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखाया हूँ उस प्रोग्राम को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा।